my viewers, and this is the video about the flaws that we are going through in our system of education. हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके आधार पर हम लोग कौन से परिस्थिति से गुजर रहे हैं उसके बारे में ये वीडियो में बात करेंगे हम लोग. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कुछ डेटा, कुछ इंडेक्सेस, पूरे दुनिया भर में कुछ इंडेक्सेस रिलीज़ किए जाते हैं. उस रिलीज़ किए गए इंडेक्सेस के अनुसार बात तो ये सही है कि वो जो डेटा निकल कर आया है वो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के बारे में, तो आज भी ये देखा जा रहा है कि मोर देन 70% ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर स्टडीइंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स. 70% से ज़्यादा भारत के बच्चे वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं और बाकी के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं. तो गवर्नमेंट स्कूल का सिर्फ डेटा कह रहा है कि 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं, 9 से 12 तक के बच्चे बच्चों में से लगभग 26-27% 26-27% दे कांट इवन रीड द टेक्स्ट प्रॉपरली. उनको सही से अपना टेक्स्ट पढ़ना नहीं आता है. 1-3 लेवल का टेक्स्ट जो है उसको पढ़ना नहीं आता है गवर्नमेंट स्कूल के 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स को. तो ये एक सच्चाई है, दिस इज़ द ट्रूथ. और उसके साथ साथ लगभग 60% से ऊपर ऐसे बच्चे हैं जिनको एकदम जनरल सब्ट्रैक्शंस जो होते हैं, मतलब घटाना जिसको कहते हैं, वो करने में परेशानी होती है. वो तो इतना परसेंटेज उसमें है. कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, डिवीजन नहीं आता सही से. क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट जनरल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उनको नहीं आते हैं. और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको परसेंटेज निकालना नहीं आता. तो दिस इज़ अ फ्लॉ ऑफ आवर एडुकेशन सिस्टम. ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के बारे में नहीं है. हम अगर प्राइवेट स्कूल्स में जाए तो प्राइवेट स्कूल्स में भी जो स्कूल्स हैं उसमें से बड़े स्कूलों में तो मान लीजिए जो जिनके पास बहुत पैसे होंगे उन्हीं के बच्चे स्कूल जा पाएंगे, तो वो उनके माता पिता घर पे गाइडेंस देने के लिए और भी खर्चा कर सकते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत आ जाता है. लेकिन जो छोटे स्कूल्स हैं, बीइंग एन एक्सपीरियंस पर्सन आई कैन से कि छोटे स्कूलों में जो बच्चे आते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, तो सबसे बड़ी परेशानी जो है कि माता पिता अपने बच्चों के मार्क्स के ऊपर वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि किसको कितना मार्क्स मिला, ये फर्स्ट आया कि सेकेंड आया कि थर्ड आया. चाहे उस स्कूल में 5-6 स्टूडेंट हो लेकिन उसमें भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड आना है बच्चे को. तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड के चक्कर में क्या होता है, बच्चों को जो सही शिक्षा है, जो जो जिस शिक्षा को इस्तेमाल करते हुए वो और भी सीख पाएगा, तो इस्तेमाल करने की जो शिक्षा है वो नहीं दे पाते हम लोग. इसके कारण बच्चे जो है वो लिटरेट तो बन जाते हैं, क्लास 1 से 12 तक चले जाते हैं, लेकिन वो 12 तक का जो एडुकेशन है वो उनको नहीं मिल पाता है सही से. और उनको भी ये मन में रह जाता है कि मुझे मार्क्स लाने हैं कैसे भी. उसको रट्टा मार के ज़्यादातर द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स दे फोकस ऑन गेटिंग मार्क्स एंड दे फोकस ऑन जस्ट gibberishing, just memorizing whatever given in the school. कुछ भी है, कुछ भी question का answer है, even the simple arithmetics, इनको भी वो लोग याद करने की कोशिश करते हैं कि वो जाके exam में अच्छे marks लाए. तो these are the problems regarding our education, our system of education. तो ये problems को दूर करने का बहुत सारा तरीका है. सबसे पहला जो तरीका है, गवर्नमेंट तो कुछ ना कुछ कर ही सकती है, लेकिन सबसे पहला जो तरीका है वो है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स. अगर ये जो रैट रेस है कि हमको फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, तो रैट रेस से दूर हो के अगर अगर कोशिश किया जाए कि हम लोग कुछ सीखें, तो कुछ काम उसमें बन सकता है.